हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट के नए वीडियो में। और हम हैं एपिक एसएमपी में, और ये है हमारा सीक्रेट बंकर और ये अंडरग्राउंड है। श्रृंगी भाई अब भी गए हैं ऊपर ये कुछ लेने, लकड़ियाँ लेने और भाई स्टैंड के लिए सामान लेने, क्योंकि हम यहाँ पर एक से एक पावर्ड पोशंस बनाएंगे और यहाँ पर हमारे सारे स्पेशल वेपन्स रखेंगे, क्योंकि भाई एसएमपी में बहुत लफड़ा हो रहा है और हमें अपना सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर इसलिए। और भाई अभी तो लड़ाई चालू ही है एंड में भाई का और अफन गेम का, शायद अभी शांत हो गया क्योंकि मैं तो था नहीं अभी, शायद अभी शांति हो गया होगा। तो फिर भाई यार वो फटाफट आते हैं और यहाँ पर है हमारा अनलिमिटेड नेदर वॉर्ड का फार्म। और यहाँ पर से बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये सोल सैंड स्पीड पूरी स्लो कर देता है। भाई यार फाइनली आ गया और ये जगह किसी को नहीं मालूम, और मैं कॉर्ड भी ये कुछ गायब कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि कोई हमारे एसएमपी का बंदा अगर गलती से भी इस वीडियो को देख ले तो हमारे इस सीक्रेट जगह पे आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। हम यहाँ पर ओपी से ओपी सामान रखेंगे। तो यार अभी फटाफट श्रृंगी भाई आते हैं और हम पोशंस बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, हमारे पास नेदर वॉर्ड है और भाई ये देखो ये सारे सामान है हमारे पास। ये ब्लेस हम सबसे पहले तो स्ट्रेंथ का पोशन बनाएंगे। और हेलो गाइस, भाई एनजी प्लेस आ गया। तो ओके भाई, हम श्रृंगी भाई का वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। हेलो गाइस, यार तो श्रृंगी भाई आ गया और उन्होंने सब सामान ला के दे दिया, और हम सब ने वो तो हम दोनों ने तो कर ही लिया कि हमको कैसा सब जगह सब कैसा चाहिए। सेटलमेंट सब हो गया, अब यहाँ पर फर्नेस लग जाएंगे इसके ऊपर। भाई तीन ही ब्रूइंग स्टैंड है वैसे तो अभी हमारे पास, और एनविल तो भाई हमारे पास कुछ ज़्यादा ही है, जितने आयरन थे सबके बना लिए, क्योंकि भाई एनविल टूट जाता है। तो इसके लिए मैंने कहा भाई जितना आयरन है सबका बना लो और बाकी के रख देते हैं। तो भाई यार हमारा ये सब कुछ लग चुका है, यहाँ पर एंडर चेस्ट भी लग चुकी है और यहाँ पर श्रृंगी भाई का भी एक्सलॉटल लग चुका है। और ये है हमारे ब्रूइंग स्टैंड, भाई पाँच थे अभी, और ये यहाँ पर पूरे लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर फर्नेस लगा दे साइड, ये देखो इधर काफी प्यारा फर्नेस लग रहा है। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर अच्छा लग रहा है भाई। अबे देखना इधर ऑड हो जा रहा है ना, इधर इतना है। तो काम करते हैं एक एक लगा। नहीं तोड़ 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 इधर नहीं, एक सब सामान ना एक ही साइड रखना है, अपने को एक साइड थोड़ा खाली भी चाहिए। इधर लगा दे बाकी के तीन, अच्छा लगेगा। दो बच्चे हैं, हाँ देख कितना मस्त लग रहा है। दो बच्चे दो बच्चा है, तो फिर एक इधर लगा दे, इधर लावा के ही बाजू में, हाँ चलेगा वो भी। अभी एकदम रेडी हो गया गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डेकोरेशन का काम काफी अच्छा हो गया है एंड गाइस। तो भाई यार श्रृंगी भाई जा रहे हैं, भाई बीबी वीपी कुछ नहीं होगा। भाई श्रृंगी भाई जा रहे हैं कांच लेने, और तब तक हम यहाँ पर थोड़ा टाइम पास ही कर लेते हैं यार, ऑक्सीलॉक से बात करते हैं। तो श्रृंगी भाई जब आएंगे हम फटाफट पोशन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहला पोशन होगा स्ट्रेंथ का। भाई यार अब समय हो गया है विद गिरी दिखाने का, और हम जब बनाने जा रहे हैं पोशन। और ये लग क्यों नहीं रहा यहाँ पर, पहले ब्लेस डालना पड़ता है क्या पहले? मैंने तो पोशन नहीं बनाया कभी, रुको मेरे शेल्टर में है ना। मैंने तो जैसे चेस्ट में रख दिए थे थोड़े बहुत सारे काम, रीजनरेशन का भी पोशन बन जाएगा, चाहे जो बनाओ पर लेकिन बनाओ। इधर हम लोग ना विलेजर भी लाएंगे। विलेजर? हाँ लगा दिया मैंने, मेरे पास एक बो ना मतलब एरो कलेक्ट करने का एकदम बेस्ट आइडिया है। को यार गाइस थोड़ी देर में आप लोगों से मिलता हूँ, मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा ये लग क्यों नहीं रहा। भाई हमारा ऑकवर्ड पोशन बन चुका है, अब हम इसके अंदर मिलाएंगे क्या, अरे ब्लेस चाहिए। अच्छा सब ब्लेस मैंने इसके अंदर ही डाल दिया, अब हम इसके अंदर मिलाएंगे ब्लेस। और अब आप देखो सबसे तगड़ा पोशन बनेगा, जो पोशन आपके पास है ना हर कोई डरेगा देख के। रुको थोड़ी देर के लिए। तो भाई यार यहाँ पर आप देख सकते हो बन चुका है हमारा स्ट्रेंथ का पोशन, और इसके अंदर शायद लेवल 2 भी होता है। नहीं इसके अंदर लेवल 2 नहीं हो, अब हम इसके अंदर मिला देते हैं
रेडस्टोन डस्ट जो उसका समय बढ़ा देगा। अभी ये है कुछ 3 मिनट का, अभी ये शायद 8 मिनट का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मिला देंगे ग्लोस्टोन डस्ट और उससे ये शायद सेकंड अपने फेस पे आ जाएगा, यानी कि और पावरफुल हो जाएगा। ये अभी दे रहा है +1 अटैक डैमेज। अब ये हो गया है, हाँ 8 मिनट का। और अब हम इसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। नहीं हो रहा है, शायद कुछ गलती की है मैंने। 1 मिनट गाइस, हमारा ऑकवर्ड पोशन बन के तैयार है। अब इसके अंदर मिलाएंगे हम गास्टियर, ज़्यादा नहीं मिलाना है भाई, एक ही मिलाना है। और अब ये बन रहा है हमारा रीजनरेशन का पोशन, तो बनने देते हैं ऐसे। भाई यार मुझे ये बनाना था फर्मेंटेड स्पाइडर आई, अभी के लिए तो एक ही बनाऊंगा क्योंकि स्पाइडर आई ज़्यादा है नहीं। और हम ये तो हमारा ऑकवर्ड पोशन बन चुका है, अब इसके अंदर हम मिला देते हैं सबसे पहले ये स्पाइडर आई एक ही। भाई यार आप देख सकते हो ये बन चुका है पॉइजन ऑफ पोशन, और अब भी हम इसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पावरफुल पोशन में, जो काफ़ी नेदरराइट के भी आर्मर पे 4 दिल का डैमेज देता है, 4 या 5। भाई यार ये बन चुका है भयंकर पोशन ऑफ फार्मिंग, और अब हम इसके अंदर मिला देंगे ये, और ये बन जाएगा इसका और डैमेज होगा 2 पे। तो भाई बहुत तगड़ा सीन चालू है, और अब हम फटाफट से हम इसके अंदर इसको स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमें पी के खुद थोड़ी मरना है। और जाके फटाफट मैं देखता हूँ चेस में है कि नहीं, या फिर नहीं रहेगा तो श्रिंटी भाई से मांग लेंगे, उनके पास रहता है कभी कभी क्योंकि वो क्रीपर्स को मारते ही रहते हैं। हाँ तो भाई ये 2 हो चुका है, मैं फटाफट से लेके आ जाता हूँ। तो यार ये हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं स्प्लैश पोशन में, और मैं इन्हें ध्यान से रख देता हूँ कहीं श्रिंकी भाई हम पे ना यूज़ कर दे यहाँ पर। और अब मैं भर भर के ना स्ट्रेंथ के पोशन सबसे पहले तो बनाऊँगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के पोशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास ब्लेज की कोई कमी नहीं। तो फटाफट से यार वाटर बॉटल्स कहाँ पर, यहाँ पर है 3 हैं, और हम इसमें से 2 हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर आके फटाफट से पोशन बना देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी सबको मालूम है, श्रिंटी भाई को अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे या फिर गूगल बाबा है, तो यार डाल लेते हैं जल्दी जल्दी बन जाए। तो गाइस यार मैं अभी आप लोगों को पोशंस दिखा देता हूँ, मैंने बनाए काफ़ी सारे, मैंने सबसे पहले तो बना के चेस में रख दिए। और ये है भाई हार्नेस, स्ट्रेंथ के ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि लफड़ा होता रहता है। और ये भाई पॉइजन का, सब कुछ अच्छा है पॉइजन का भाई, ये मुझे लगता है 1/2 दिल तक लेके चला जाएगा। और ये है हमारा स्ट्रेंथ का पोशन, ये रीजनरेशन का है भाई का। तो हमारे पास पोशंस हो चुके हैं, अभी हमको भाई कुछ टेंशन नहीं है, हम पोशंस यहाँ पर आके हमेशा बनाएंगे, कभी मैं आ जाऊँगा कभी श्रिंटी आ जाएंगे। और श्रिंटी भाई शायद चले गए, यहाँ पर ना एक हमारा बहुत सीक्रेट जगह है, ये मैं आपको कभी और दिखाऊँगा। और भाई तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई अभी हम बहुत तगड़ा चीज़ करने वाले हैं, क्योंकि अब हम ओवर पावर्ड हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास पोशंस है। तो भाई यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय। और रियाज भाई मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में।